हाय स्टूडेंट्स, सोम सर, आराध्य क्लासेस फिजिक्स। हाँ, ये जो यूट्यूब वीडियो इंटरप्ट हुआ था ना, तो फिर उसको ड्रॉप किया और ये सीधा शूट कर रहा हूँ। डायरेक्ट आपको पूरा वीडियो लेक्चर ही बना के देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 06 नीट वाले बच्चों के लिए है, ये जेई मेन वालों के लिए भी है, और जो बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, क्या डिस्कशन है आज? आज इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। चलो ठीक है, इंडक्टेंस दो टाइप का होता है भाई। कौन सा दो टाइप? सेल्फ म्यूचुअल। हाँ, तो देखो, सेल्फ इंडक्टेंस होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। म्यूचुअल गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए आत्मप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। ठीक है बच्चा लोग, अब क्या होता है ये इंडक्शन होना, इंड्यूस होना, प्रेरित होना। हाँ, हम जानते हैं कि जैसे ये कोई कॉइल है, देखो ये वायर का कॉइल है। अब यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड डालो, मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो रहा है, ये रहा देखो। अब आप इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, मतलब यूं कम ज़्यादा करो, तो ऑब्वियसली इसमें EMF इंड्यूस होगा। हाँ, EMF इंड्यूस होगा। वो दो तरीके से हो सकता है। क्या? एक तो देखो, ये आपने बाहर से डाला, मतलब ये कहीं से किसी और करंट कैरिंग रिंग में से आ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया म्यूचुअल, किसी और ने किसी और को इंड्यूस किया। सेल्फ क्या होता है? जैसे ये रिंग है आपका, इसके अंदर करंट आया, वो खुद की मैग्नेटिक लाइन्स बना रहा है, और खुद के ही करंट के वेरिएशन से खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन में वेरिएशन कर रहा है और खुद ही फिर से इंड्यूस हो रहा है, तो ये हो गया सेल्फ वाला मामला। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जब खुद ही खुद के करंट की खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से खुद ही इंड्यूस हो जाए। खुद ही बहुत बार आ गया ना। ठीक है, तो अच्छा ये थोड़ा फास्ट क्यों जा रहे अपन, क्योंकि ये सारा बोर्ड में पढ़ चुके हो मेरे वीडियोज, है ना। हाँ, तो म्यूचुअल मतलब किसी और की वजह से कोई और, सेल्फ मतलब खुद ही खुद की वजह से इंड्यूस हो जाए। जैसे देखो, मस्त एग्जांपल बताता हूँ, ये रहा एक कॉइल, समझो, डन। यहाँ पे आप करंट सप्लाई दे दो, जैसे एसी दे दो। हाँ, अब इसमें से करंट फ्लो चालू कर दो, तो जैसे ही करंट फ्लो होगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड तो निकालेंगे ना ये लोग। हाँ, तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालेंगे यूं, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी नहीं हो, मान लो अपन करंट में यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, करंट को बढ़ा रहे घटा रहे कम ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज़्यादा होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड किसने पैदा किया यहाँ पे? इस कॉइल ने, खुद ने, ठीक है। और खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा हो रहा है, तो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, तो खुद ही इंड्यूस हो जाएगा। हाँ, तो इस घटना को बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस्ड होना, ठीक है। अब यही घटना कोई और करे, जैसे देखो यहाँ पे एक कॉइल लगाओ भाई, उसके नज़दीक थोड़ा एक और कॉइल लगाओ, लगाया, अब इसमें करंट सप्लाई दो और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा के ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें करंट सप्लाई देते हो, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड लॉन्च हो जाएगा। हाँ, और इसके साथ एसोसिएट होगा, यहाँ पर टच होगा। ओके, अब करंट, ये वाला सपोज आपका पहला कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है, करंट पहले वाले कॉइल में पास हो रहा है और फ्लक्स दूसरे वाले के साथ एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अब इस फ्लक्स में मैं चेंजेस करूं, तो इसके फ्लक्स में भी चेंज होगा ना, तो ये इंड्यूस होना है। हाँ, लेकिन इसमें इंड्यूस कौन हो रहा है? टू वन की वजह से, और इसमें खुद ही खुद की वजह से इंड्यूस हो रहा है, डन। तो ड्रॉइंग से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सेल्फ इंड्यूस होना क्या होता है, म्यूचुअली इंड्यूस होना क्या होता है। अब थोड़ा फॉर्मूले में जाते हैं, टेक्स्ट बुक के बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं, उन पे भी अपन बात कर लेते हैं। देखो, इस पूरे फिनोमिनन में एक चीज तो सामने दिख रही है, क्या? कि जो भी फ्लक्स एसोसिएट होगा ना, टोटल फ्लक्स, अरे एक टर्न है तो सिर्फ फाइव लूंगा, बहुत सारे टर्न्स है ना, तो टोटल फ्लक्स ये रहा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है, बिल्कुल होता है। करंट जितना ज़्यादा बहेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा ना, कॉमन सेंस की बात है। हाँ, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। ओके,
अब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओ यहां से तो कुछ कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को बोलते हैं इंडक्टेंस, समझे बबुआ, सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसका क्या नाम हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी मिल गया, कैमरा में नीचे का दिख रहा है ना, थोड़ा कैमरा देखो, नजर रखो, एन फाई अपॉन आई, ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का एक बढ़िया फॉर्मूला। यस, नोट डाउन कर लेना भैया। वैसे ही इसमें भी फॉर्मूला बनेगा सेम टू सेम, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एल है, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एम है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनेगा एन फ्लक्स अपॉन आई, लेकिन एक फर्क है दोस्त, क्या फ्लक्स दूसरे के साथ एसोसिएट हो रहा है और करंट पहले में फ्लो हो रहा है, तो फ्लक्स एसोसिएटिंग विद सेकेंड, करंट पासिंग फ्रॉम वन, यस ये हो गया ना। अब एक और फार्मूला है, बिल्कुल है, उसको भी यहीं पे डिस्कस करना है। देखो क्या फार्मूला है, इसमें ईएमएफ कितना बनेगा, तो ईएमएफ का तो फेराडे वाला फार्मूला आएगा ना, ये वाला, ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ टोटल फ्लक्स, यही फेराडे का फार्मूला है, ठीक है दोस्त, डी बाई डी टी। अब एन फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से निकालो, एल आई ले लो, एल आई तो क्या आया, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये हो गया इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला। क्या तो इसमें टफ है रे, क्या सिखाऊं क्या पढ़ाऊं, बारहवीं वाले बच्चों के लिए तो छोटे बच्चों जैसा टॉपिक है। अब इसमें इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चालाकी करना, पहले ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एल की जगह क्या ले लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, थोड़ी सी चालाकी दिखा, क्या चालाकी दिखा सकते हैं, ईएमएफ कहाँ इंड्यूस हो रहा है, दूजे वाले में तो टू, और करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, पहले वाले में वन, हो गया, बस ये ध्यान रखना, हाँ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आगे काम बिगाड़ सकती है अपना, हाँ कोई डायलॉग सेट नहीं करा था तो यही बोल दिया, मतलब कुल मिला के गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ चलो, ये बिल्कुल बेसिक सा थॉट सब, बिल्कुल बेसिक थॉट एकदम। अब इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होता है, हम ये जानते हैं, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होता है और उसके संकट समय में काम में आता है। अरे पता नहीं इंडक्टर क्या करता है। अच्छा, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो मैग्नेटिक फॉर्म में होता है, जैसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होता है ना इलेक्ट्रिक फॉर्म में, हाँ फिर वो कैपेसिटर अपनी एनर्जी देता है, झूम वो पंखा घूमने लगता है धड़ाऊँ, वैसे ही जैसे वहाँ कैपेसिटर था इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में, यहाँ मैग्नेटिक मैटर्स में इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होता है मैग्नेटिक फॉर्म में, क्या काम आता है वो एनर्जी उसके, तो बिल्कुल देसी बात है, तो देसी तरीके से समझाऊँ दोस्त, कैमरा थोड़ा नीचे कर सकते हो, मुझे बैठना है, थोड़ा थकान लग रही है, सुबह से शूट कर रहा हूँ, आराम से ऐसे बैठ के मैं दिख रहा हूँ पूरा, डाउन करो थोड़ा कैमरा, बस ये इससे नीचे नहीं आना चाहिए, हाँ शूट, हाँ ठीक है। सुन देख, इंडक्टर क्या करता है भैया, एनर्जी स्टोर करता है वो क्राइसिस के टाइम, वक्त आने पे उस एनर्जी का यूज करता है। कैसे, इंडक्टर का मेन काम क्या है पता है, टू अपोज एनी चेंज इन करंट इन सर्किट, सर्किट में करंट में किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा है, कोई भी परिवर्तन हो रहा है, फेरफार हो रहा है, तो इंडक्टर जागेगा, हाँ रुक बदलने नहीं दूंगा, करंट को बोलता है कि बदलने नहीं दूंगा। जैसे मान लो करंट 10 एम्पियर है सर्किट में, नॉर्मली करंट क्या फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, अचानक से 15 एम्पियर होने लगा, तो इंडक्टर जागेगा कि नहीं डाउन कर चल, तो डाउन कैसे करवाएगा, इंडक्टर खुद का ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेगा, तो उसका वोल्टेज लो हो जाएगा, समझा। अब इंडक्टर जैसे दूसरा टास्क बताता हूँ, जैसे 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और अचानक से करंट गिरने लगा 7 एम्पियर तक जाने लगा, तो इंडक्टर फिर जागेगा,
रुक बेटा, कहाँ 7 तक जा रहा है, रुक, मैं तुझे और देता हूँ ना ताकत, मैं और एनर्जी डालता हूँ, तू 10 पे टिका रहे, तब उस वक्त इंडक्टर अपनी एनर्जी वहाँ देता है और सेम डायरेक्शन में ईएमएफ देता है। समझ में आया पूरा घटना? चलो अब कैमरामैन थोड़ा ऊपर ले लो कैमरा, इस घटना को यहाँ पे आपको समझाया जाएगा बिंदास्त। यहाँ पे फोकस हो रहा है कैमरा, देखो जैसे ये इंडक्टर है, हाँ ये सर्किट में मान लो करंट फ्लो हो रहा है आई, मान लो ये इंक्रीज हो रहा है करंट, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इंडक्टर जागेगा और क्या बोलेगा, ओ भाई करंट रहने दे, इंक्रीज इंक्रीज नहीं होना है, मेरा नेचर है कि तेरे अंदर जो भी चेंज हो रहा है ना उसको मैं रुकूंगा, चेंज नहीं होने दूंगा, तुझे कॉन्स्टेंट मेंटेन करूंगा, ऐसा इंडक्टर बोलता है करंट को। हाँ तो करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर क्या करेगा, इसको डाउन करने के लिए अपना ईएमएफ इधर अपोजिट में डालेगा इधर, हाँ तो ये डाउन हो जाएगा। अब मान लो ये डाउन हो रहा है, करंट आ रहा है अंदर ही आ रहा है लेकिन डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो इंडक्टर जागेगा और बोलेगा रुक बेटा काहे कम हो रहा है, हम बैठे हैं ना, हम है ना, हम अपना एनर्जी डालते हैं तुम्हारे अंदर और तुम बड़े रहो, मेंटेन होते रहो। तब उस वक्त ईएमएफ का डायरेक्शन ये आता है। ये बहुत सामान्य बात है, बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन इसको समझने के लिए मस्त थॉट लगाना पड़ता है, हाँ यार सही है, कोई बहुत तेज दौड़ रहा है उसको रोकना है तो अपोज करना पड़ेगा ना कि रुक भाई, और कोई बेचारा जरूरत से बहुत कम स्लो दौड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको धक्का मारेंगे, कह रहे दौड़ रहे रुक पीछे रह जाएगा दौड़, हाँ बस यही चीज़ होता है। जनरली अपने घर में ट्यूबलाइट होती है ना, उसमें जो चौक कॉइल होता है ना, नहीं तो बहुत बार टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन आके बोलते हैं इस ट्यूबलाइट का चौक उड़ गया है, चौक खराब हो गया, वो इंडक्टर होता है। जो ट्यूबलाइट में क्यों इंडक्टर लगा होता है, अरे भैया अपने घर के अंदर जो सप्लाई आता रहता है पावर का वो फ्लक्चुएट होता रहता है, अप डाउन, किसी बाजू वाले ने एसी चालू कर दिया तो अपना इलेक्ट्रिक सप्लाई इफेक्ट होता है उससे, तो उन सब फ्लक्चुएशन से अपना ट्यूबलाइट उड़ नहीं जावे, खराब नहीं हो जावे, डैमेज नहीं हो जावे, इसलिए इंडक्टर लगा रहता है कि वो इंडक्टर उस वक्त मैनेज कर लेता है ना। चलो दोस्तों तो ये इंडक्टर का बिल्कुल बेसिक सा थॉट। अच्छा एक मिनट, एक और रह गया, इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पे अपोजिट या इन द डायरेक्शन देता है, वो एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी ये होता है रे हाफ एल आई स्क्वायर। अब तू जो टेक्स्ट बुक में आ चुके हैं ना उन फॉर्मूलों का डेरिवेशन मांगना नहीं, ये जी मेन एडवांस के लेवल का लेक्चर है, हाँ उन फॉर्मूलों का डेरिवेशन देता रह जाऊंगा तो हाई लेवल का पढ़ाऊंगा। तो ये है इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला। अब इंडक्टर के अंदर एनर्जी डेंसिटी ये रही ले मजेगर हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो। अरे सर कहाँ से लाए, ए बोर्ड के लेक्चर में पूरा प्रूव करके दिया था, फिर भी भूल जाए ना, तो कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी याद है आपको हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर, ये उसी का तो कॉपी है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्क्वायर था, यहाँ बी स्क्वायर है, वहाँ एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे वन अपॉन म्यू जीरो होता है ना एप्सिलॉन नॉट की जगह, हाँ तो फिर चलो तो ये सारा बेसिक ज्ञान आप क्लिक कर लो। अब अपना अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट शेप्स लेता हूँ, जैसे सोलेनोइड लेता हूँ, स्क्वायर कॉइल लेता हूँ, सर्कुलर कॉइल लेता हूँ, उन सबका एल आपको ढूंढना सिखाता हूँ ताकि आपको बहुत सारे एल के फॉर्मूले रटने नहीं पड़े अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट शेप। को टेक्निक ही दे देता हूँ कि एग्जाम में मान लो पूछ लिया सर्कुलर लूप का इंडक्टेंस क्या है, तो कोई फॉर्मूला रटना नहीं, सीधा एक सेकंड में तू बना देगा, सिखा रहा हूं ना मैं, अरे तू रुक चल सिखाता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1, 2 एंड 3। ओके चलो सबसे पहला शेप लेते हैं, बिल्कुल इजी जो हमको मजा आता है, सोलेनोइड, घर की खेती है रे भैया सोलेनोइड। सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस ढूंढ के लाओ, एल ढूंढो इसका, ढूंढते हैं देख सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा भैया, टोटल फ्लक्स अपॉन करंट है कि नहीं। अब हमको ये टोटल फ्लक्स ढूंढना है ना पहले, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो ये रहा टोटल फ्लक्स, फॉर्मूला क्या होगा इसका भैया, इसका फॉर्मूला होगा बी ए कॉस जीरो, अभी कॉस जीरो पे बात नहीं करेंगे, आप 575 बार कर चुका हूँ, हाँ बी ए, अभी मैग्नेटिक फील्ड किसका है, अरे सोलेनोइड का, हाँ तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या लेगा भैया, म्यू जीरो एन आई, ये एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये मिल गया बी,
लगा दे इधर म्यू जीरो एन आई अपॉन एल। भाई टेक्नीशियन कवर हो रहा है ना यहाँ तक, स्क्रीन देखना, ये हो गया टोटल फ्लक्स। खेल खत्म, लगा दो इधर, क्या आया म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल, और यहाँ पे एक आई ऑलरेडी था कैंसिल, ये ले आंसर म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल। बोलो कैसा लगा ट्रिक, आपको क्या लगता है इतना सा सॉल्व करने में एग्जाम में क्या आपको एक घंटा लगेगा, क्या दिमाग को लोड पड़ेगा? नहीं ना, तो ज़्यादा फॉर्मूले नहीं रटने, इसे फटाक से फ्लक्स लिया बी लिया और खेल खत्म। चल तो फिर चल एक और देता हूँ, जैसे सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग ऑफ एन टर्न्स, उसमें भी बहुत सारे टर्न्स हैं, बहुत बड़ा आटा है भाई गुजराती मीडियम, बहुत सारे आटे उसमें, देखो ये रहा ऐसा, बहुत सारे टर्न्स हैं, ठीक है। इसका रेडियस ले लेते हैं अपन आर, इसका इंडक्टेंस ढूंढना है सेल्फ। तो सेम पैटर्न, हमको पहले फ्लक्स चाहिए और फ्लक्स के लिए हमको पहले मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना। तो इसी स्ट्रेटेजी से अपन सॉल्व करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले रिंग है ना, तो रिंग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू जीरो आई अपॉन टू इंटू रेडियस, लेकिन यहाँ पे एक टर्न तो है नहीं, बहुत सारे टर्न है, तो एन ले लो, क्लियर। अब फिर हम क्या लाएंगे, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या लेंगे, ये रहा ना एन बी ए, बी कितना है भाई म्यू जीरो आई एन अपॉन टू आर, एरिया को एरिया रहने दूँ, रहने दो पाई आर स्क्वायर ले लो, हाँ आर आर कैंसिल, म्यू जीरो एन स्क्वायर आई पाई टू और ये आर, ये हो गया टोटल फ्लक्स। अब इंडक्टेंस चल ले, इंडक्टेंस मतलब टोटल फ्लक्स अपॉन करंट, टोटल फ्लक्स ये रहा, नीचे करंट डालेगा आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये तेरा आंसर म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर अपॉन टू। ले बोल तुझे क्या लगा है फॉर्मूला रटना पड़ता है? अरे नहीं रटते बेटा, सारी चीज़ें नहीं रट्टा मारते, कितना दिमाग को लोड देगा, मुझे 30 सेकंड में, विद इन 30 सेकंड मेरा आंसर आ जावे। मुझे जब भी फॉर्मूलों की ज़रूरत होती है ना, ऐसी ट्रिक्स कुछ ना कुछ दिमाग में होती है, कर लेता हूँ। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। चलो इसमें एक और है, टोरॉइड का करें, सोलेनोइड किया, सर्कुलर रिंग किया, एंटर्न्स, अब टोरॉइड का करें, करते ना। चलो देखो टोरॉइड में मामला थोड़ा सा अलग आएगा, काहे अलग आएगा दिखाता हूँ भैया, रुको टोरॉइड को हैंडल करते हैं। चलो टोरॉइड का एल लाओ, पहले टोरॉइड ड्रॉ कर, उसके रचना को, उसके शेप को, उसकी आकृति को, उसकी जिंदगी को समझ, अपनी जिंदगी तो हम समझ नहीं पाते हैं, टोरॉइड की समझ नहीं निकले, रुक रहे थोड़ा अच्छे से होना चाहिए ना यू। ये रहा टोरॉइड, टोरॉइड मतलब ऐसा एक पाइप होता है ना, उस पाइप को यूं बेंड करके दोनों एंड से ज्वाइन कर दो तो पूरा सर्कुलर ट्यूब बनता है ना, जैसे गाड़ी के टायर के अंदर ट्यूब होता है ना वैसा ट्यूब, तो टोरॉइड उस पर फिर वायर लपेटते हम लोग पूरा, है ना, ये पूरा वायर लपेट दो भैया ऐसे, ये बन गया टोरॉइड। अब टोरॉइड में दो दो रेडियस होता है, ये दिक्कत है, इसलिए टोरॉइड टफ पड़ता है। कहाँ दो रेडियस है, देखो पहले तो ये रहा, ये टोरॉइड का एक्सिस है समझो, है ना, तो यहां से ये एक्सिस वाला रेडियस बड़ा, ये कब काम आता है, आएगा ना, मैं बोलूंगा कि टोरॉइड का पूरा लंबाई क्या है, तो लेंथ ऑफ टोरॉइड लेंगे अपन, तो क्या लेते हैं 2πr लेते हैं ना, लेंथ तो 2πr लेना है। हाँ अब दूसरा छोटा रेडियस भी होता है, उसका क्या काम है, पहले रेडियस का है वो तो दे, तो ये छोटा रेडियस ये रहा ना इतना, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है समझो, किसी भी यहाँ से काटोगे तो काट के खोलोगे तो पूरा पाइप ऐसे दिखेगा ना आपको यूं पूरा, इसको यहाँ से काटो और खोलो तो ऐसे दिखेगा ना, तो ये हो गया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो छोटा रेडियस है उसकी बात कर रहे हैं अपन, छोटा रेडियस कहाँ काम आएगा, अरे क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला लेगा तो पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा काम, तो फिर तो समझा आप, दो दो रेडियस होता है टोरॉइड में,
टोरॉइड का कुछ भी सम लेने से पहले उसकी रचना, उसके डिजाइन, उसके थॉट को समझना चाहिए, तो गलती नहीं होगी। आप क्या करते हो, टोरॉइड को अच्छे से पढ़ा नहीं पढ़ा, सीधा फॉर्मूले में सोचने लगते हो। अरे भाई शांति रख, कहीं भागा नहीं जा रहा है फिजिक्स। हाँ चलो, अब टोरॉइड का इंडक्टेंस ढूंढ के लाते हैं। तो टोरॉइड का इंडक्टेंस क्या लेंगे, टोटल फ्लक्स अपॉन करंट। चलो अब यहाँ पे टोटल फ्लक्स के लिए अपने को पहले मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अरे पता है रे, टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है वही सोलेनोइड जैसा ही, लेकिन एक फर्क है, सोलेनोइड में क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहां पर भी वही है, लेकिन यहां पे लेंथ क्या है, इसका पूरा लेंथ क्या है, 2πr। हाँ तो बस ये लेंथ का चक्कर पड़ जाता है बच्चों को, सोलेनोइड होता है ना, तो सोलेनोइड से सीधा पाइप होता है समझो, तो उसमें लेंथ लेंथ ही होता है, इसमें लेंथ पूरा सर्क्यूलर है ना, तो 2πr लेना पड़ता है ना। ठीक है, ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका टोटल फ्लक्स, कैमरामैन दिख रहा है नीचे, थोड़ा कैमरा डाउन करो, टोटल फ्लक्स एन बी ए हो गया। इस एन बी ए को डायरेक्ट इधर ही डाल देता हूँ ना, जगह कम है, एन बी ए अपॉन आई। एन मैग्नेटिक फील्ड का ये रहा, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2πr, नीचे आई है, और ये एरिया क्या लेंगे, क्रॉस सेक्शनल पाई आर स्क्वायर। यस, पाइप से पाई कैंसिल, आई से आई कैंसिल, म्यू जीरो एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2r। कुछ रह गया हो तो देख लेना, टेक्निक सही है, या कुछ कैंसिलेशन में रह गया हो तो देख लेना, कुछ रहा तो नहीं ऐसे, म्यू जीरो आया, एन स्क्वायर आया, आर स्क्वायर आया, 2r आया, हो गया। चल बोल दोस्त, मजा आया, सोलेनोइड सिखाया, टोरॉइड सिखाया, सर्कुलर लूप सिखाया, अब स्क्वायर लूप सिखाता हूँ एन टर्न्स वाला, है ना, तो इतना प्रैक्टिस सफिशियंट है। फिर चल एक और सिखा दूंगा, कोएक्सियल केबल, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, अब स्क्वायर लूप को लेते हैं, चलो फोर्थ। ऐसे 4-5 प्रैक्टिस करवाऊंगा सेल्फ इंडक्टेंस, तो फिर तो आपको ग्रिप आ जाएगा ना। हाँ, एक आध इंटीग्रेशन वाला भी मामला ले लेता हूँ, तो उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। स्क्वायर लूप ऑफ एन टर्न्स, उसका इंडक्टेंस क्या होगा, चलो पहले स्क्वायर लूप बनाओ भैया। ये रहा स्क्वायर लूप, बना दिया, इसमें एन टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं, ठीक है, ये उसका सेंटर। अब अपने को लाना है इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस कैसे लाएंगे भाई, इंडक्टेंस मतलब टोटल फ्लक्स अपॉन करंट लाएंगे, ठीक है। करंट तो पूरी दुनिया को पता है, आई ले लो ना सर, बात खत्म करो। अब जो ढूंढना है वो है टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स मैं यहां पे लिखूं, टोटल फ्लक्स एन बी ए। अभी एक दिक्कत है साहब, क्या एन की तो कोई तकलीफ नहीं है हमको, ये एरिया भी पता है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वायर। अरे सारा लेंथ एल ले ले, तो स्क्वायर का एरिया तो लेंथ इंटू लेंथ। सबसे बड़ा दिक्कत जो है वो है इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल के लाने में, तो उसको होल्ड पे रखो ना, लिखो यहाँ पे होल्ड, हम समझेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिर लाके रख देंगे, अपना काम हो जाएगा। चलो इसका मैग्नेटिक फील्ड इलेबोरेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इधर भी आई आई, यही पूरा करंट मान लो इसमें फ्लो हो रहा है, यहाँ से कहीं से आपने कनेक्शन दे दिया, ठीक है, इसको निग्लेक्ट करो रे, ड्राइंग गंदा दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चार चार वायर की वजह से आ रहा है, कितने वायर की वजह से आ रहा है, चार चार। तो भैया किसी भी एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ढूंढो और इंटू फोर करो। नहीं साहब ऐसा नहीं, मान लो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो जीरो हो जाएगा। हाँ तो उसको भी चेक कर लेते ना, लेट्स चेक इट आउट। इसका मैग्नेटिक फील्ड, आप समझ रहे हो मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इन चार चार वायर की वजह से आ रहा है, फिर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, बहुत सारे टर्न है, शांति पहले चार को तो हैंडल कर ले। हाँ, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मान लो इसकी वजह से भी आ रहा है, और मान लो कि दोनों अपोजिट है, तो जीरो कर देंगे, है कि नहीं। तो हमको चेक करना पड़ेगा ना, या फिर रुक के, कोई जल्दीबाजी नहीं है फिजिक्स पढ़ने में, रुक के चेक करना पड़ेगा। चलो करते हैं,
इसका अंगूठा राइट हैंड लॉ से ही पता कर देना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहा है। ये करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखो, जैसे उंगलियां बैंड हुई ना उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड आता है। यहाँ पे देखो उंगलियां जहाँ बैंड हो रही है वहीं पे आएगा, अंदर घुसा ना। हाँ हाँ, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर घुसेगा यूं परपेंडिकुलर। फिर इसकी वजह से देख लो, अंगूठा रखना है ना करंट के डायरेक्शन में, तो इसकी भी उंगलियां अंदर ही आ रही है साहब। ओह वेरी गुड, इसका देख लो साहब, इसकी भी उंगलियां अंदर ही आ रही है। इसका देख लो, इसकी भी उंगलियां अंदर ही आ रही है। मतलब किसी एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड ढूंढो, चार से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि सबका प्लस होना है, सब एक ही डायरेक्शन में ना। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड, ये लिमिटेड शॉर्ट वायर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं आता है तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है। म्यू जीरो आई अपॉन फोर पाई डिस्टेंस साइन 45 प्लस साइन 45 कहाँ से लाए साहब? अरे यार, जैसे इस वायर को ध्यान में ले ले, तो यहाँ बनते ना तेरे 45 45। अरे इधर भी इतना ही बनेगा, मजे कर देख। ये डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं, कितना है एल बाई टू, पूरा एल है तो एल बाई टू। ये कैलकुलेशन तो फास्ट कर सकता हूँ ना, ये चैप्टर 4-5 में पढ़ चुके हैं ना, तो इन पे टाइम नहीं लगाते। चलो अच्छे बच्चे की तरफ फटाफट करो, म्यू जीरो आई अपॉन फोर पाई डिस्टेंस क्या है एल बाई टू, ये 1/√2 1/√2 1/√2 डन कि नहीं डन? ओके, अब ये फाइनली क्या हो जाएगा भैया? रुको, जगह तो दिख नहीं रही है नीचे। टेक्नीशियन क्या कैमरा नीचे कर सकते हो आप? करो ठीक है, ये 2 ऊपर गया 4 और रूट टू, तो ये हो गया 2√2 म्यू जीरो आई अपॉन 4πL। और ये एक वायर का है ना, इंटू 4 करो तो हो गए आपके 4 वायर। अब बहुत सारे टर्न्स है तो उन टर्न्स का भी तो कुछ करेंगे, तो चलो उन टर्न्स का भी कुछ करते हैं। थोड़ा सोच रहा था कि 4 वायर का तो मल्टीप्लाई 4 कर दिया, अभी ऐसे तो n टर्न्स है ना, तो इंटू n बी कर दे ले, और ये 4 से 4 कैंसिल। अभी b का वैल्यू यहाँ पे रख दो जहाँ आपने होल्ड लगाया था, लेकिन वैल्यू रखने के लिए जगह बड़ा चाहिए साहब। ये n तो था ही और एरिया क्या था l स्क्वायर, तो b का वैल्यू लगाओ यहाँ पे आराम से, लंबा समझ के डरो मत। ये सारा आपने चैप्टर 4-5 में पढ़ लिया है, तो मैं कुछ बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ ताकि स्लो जा रहा हूँ, वरना इन सब कैलकुलेशंस में टाइम नहीं बिगड़ता इतना। चलो क्या आया भाई, 2√2 म्यू जीरो आई आया, 2√2 म्यू जीरो आई, फिर इंटू एन, और नीचे क्या आया पाई एल। एल कहाँ से आया रे? अच्छा आ गया एल से, एल गया। चलो 2√2 म्यू जीरो एन स्क्वायर आई एल अपॉन पाई, ये हो गया टोटल फ्लक्स। लगा दो इधर 2√2 म्यू जीरो एन स्क्वायर आई एल अपॉन पाई, आई से आई गया तो क्या आया एल, 2√2 म्यू जीरो एन स्क्वायर एल अपॉन पाई। बोलो कैसा लगा फार्मूला? अब इसको रटोगे? नहीं रटना है। अरे सर टाइम नहीं बिगड़ेगा, टाइम तू इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर, इन चीजों को 15 सेकंड नहीं लगते यहां से यहां तक पहुंचने में, तू थोड़ा प्रैक्टिस तो कर। फिर भी तुझे कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये फॉर्मूला रट मार स्क्वायर लूप के एन टर्न्स का, ठीक है। अब एक कोएक्सियल केबल लेता हूं ताकि आपका इंटीग्रेशन भी इसमें कवर हो जाए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, अब 5th नंबर का कोएक्सियल केबल, इसमें थोड़ा आपका इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा। वीडियो ज्यादा लंबा ना होना तो इसे थोड़ा बगा के पढ़ा रहा हूँ। देख दो केबल है समझ ले, कोएक्सियल, कोएक्सियल कैसे समझेगा अब? जैसे ये देख, ये पूरा एक केबल है, दिख रहा है इसके अंदर, ये दूसरा गया पूरा अंदर, यूं अंदर है पूरा, यूं दिख रहा है। हाँ, ये छोटा केबल छोटे रेडियस वाला, ये बड़े रेडियस वाला, ऐसे उसके अंदर है पूरा, समझा ना? हाँ, तो चलो उसका से ऊपर का फोटो लेके हम ऊपर का ड्राइंग कर सकते हैं। ये रहा छोटा केबल, ये रहा बड्डा केबल, इसका रेडियस ले लेते हैं R1 और बड्डे का रेडियस ले लेते हैं R2, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपोजिट, ठीक है। सिचुएशन तो आपने पढ़ी होगी, हाँ चलो कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में पढ़ाया ही होगा। करंट फ्लो हो रहा है जिस तरह से उसको होना है हो रहा है। चलो अपन सीधा इंडक्टेंस पे फोकस करते हैं। तो इंडक्टेंस का मामला क्या है भैया? ये रहा टोटल फ्लक्स
अपॉन करंट, कैमरामैन कवर हो रहा है ना यहाँ पे, टोटल फ्लक्स अपॉन करंट, करंट तो आई ले ले। अब टोटल फ्लक्स लाना है तुझे, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड ला, बी, बी कैसे लाएगा? हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड का चक्कर है, क्या चक्कर है, ये जो केबल है ना, सपोज यहाँ पे कोई वायर है, समझ, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है। इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई एक्स, मतलब फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मतलब यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कम कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। बहुत फास्ट पढ़ा है ना, थोड़ा रिवाइंड करके देख ले फिर से। ये वायर के सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फील्ड घटेगा, है ना। मान ले इस वायर के आसपास तुझे फील्ड ड्रॉ भी करना है ना, तो ऐसा कर दे, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रख, यहाँ पे थोड़ा कम रख, और कम करता जा, और कम करता जा, ऐसे ये फील आ रहा है, समझ रहा है? हाँ, तो भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड है ना वेरिएबल है यार, ये जो सीधा वायर दिखा है ना वो ये रहा अंदर दिख, इतना बड़ा करके दिखाया तेरे को, हाँ, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ तक फैला हुआ वो हर जगह अलग अलग है, वेरिएबल है ना। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक छोटा सा पट्टी कंसिडर करते हैं, इतना सा डी एक्स विड्थ है और यहाँ से उसका डिस्टेंस एक्स है। अच्छा, इस पट्टी का लंबाई क्या होगा? अरे पूरा वायर जितना। आपको कहाँ पे पट्टी बनाया पता है? ये देख, ये वायर है, समझ, इसके यहाँ पे मैंने छोटा सा पट्टी बनाया इधर। अब ये पट्टी का चौड़ाई तो आपको इतना दिख रहा है, लेकिन लंबाई यहाँ से देख, ये पट्टी यहाँ तक वायर, जितना लंबा वायर है उतना ही लंबा ये पट्टी है कि नहीं? हाँ, तो इसका विड्थ और ये लेंथ से उसका स्मॉल एरिया मिलता है। हाँ, चलो ठीक है, सीधा आप टोटल फ्लक्स पे अटैक करते हैं इस बार। टोटल फ्लक्स एन बी ए, डन। नंबर ऑफ टर्न्स की तो बात ही नहीं हो सकती इस बार, क्यों, एक ही तो टर्न है, फिर भी ठीक है, एन को लेके चलते, ज़्यादा हुए तो। मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई एक्स, एरिया एल डी एक्स हो गया। ये जो फ्लक्स है, ई जोन फ्लक्स है, वो समझ लो आप स्मॉल फ्लक्स है, क्योंकि कंपोनेंट का लिया ना, ऐसी तो बहुत सारी पट्टियां होंगी अलग अलग डिस्टेंस पे। हाँ, तो टोटल फ्लक्स आपको इसके इंटीग्रेशन से मिलेगा, म्यू जीरो आई एन टू पाई एल वन अपॉन एक्स डी एक्स, कर डालो रे इंटीग्रेशन। कहाँ से स्टार्ट होगा? आर वन से लेके आर टू तक, तो म्यू जीरो आई एल अपॉन टू पाई एन लॉन एक्स आर वन आर टू। अब तो समझ गए ना बच्चे, तो अब क्या पढ़ाऊँ उसको, मुझे लगा ये वीडियो बहुत फास्ट ट्रैक में बनाए, लेकिन ध्यान में इन्हीं बच्चों को रख के बनाया है। हाँ, आर टू अपॉन आर वन, ख़त्म, लगा दे इधर, तेरा आंसर आ जाएगा एन म्यू जीरो आई एल। तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ कि सेल्फ इंडक्टेंस ऐसा टॉपिक है जो हम खुद डील कर सकते हैं एग्जाम में, अलग अलग फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बताना चाह रहा हूँ कब से, इसलिए इतनी फास्ट कैलकुलेशंस करवा रहा हूँ फटाफट, ताकि तुझे लगे कि एग्जाम में इन चीज़ों को 30 सेकंड से 40 सेकंड में हम डील कर सकते हैं, इनको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। हो गया मस्त। अब सुन, लास्ट बढ़िया सूचना, ऐसे तो लेक्चर और लंबा जाने वाला था, लेकिन लेट नाइट हो गया, स्टाफ नहीं है शूट करने वाला मेरे पास अब, तो नेक्स्ट यूट्यूब लाइव पे इसका आगे का पोर्शन लेंगे। इंडक्टर के सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन पे, और इंडक्टेंस की प्रैक्टिस के सम्स नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है? चलो दोस्तों, अच्छा लगा कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बाय।